जी बुजुर्ग हो अल्लाह का करम मीठे चेक करके नहीं 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 मैं वो हटाला नहीं देता वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हैरियत से होंगे। और दोस्तों अभी टाइम हो चुका है जी 12 बज रहे हैं, सूरज जो है वो बिल्कुल ज़ोरों से निकला है, आप देख सकते हैं। और आज मैं जा रहा हूं जी एक दोस्त से मिलने के लिए उसके गांव, और उसका गांव है जी यहाँ से तकरीबन 22 से 25 किलोमीटर का सफ़र है। और इस 20 से 25 किलोमीटर के सफ़र में जो भी पुरकशिश मंज़र होंगे, खूबसूरत मंज़र होंगे, वो आपके साथ ज़रूर शेयर किए जाएंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वो खड़ी है जी अपनी मोटरसाइकिल 125 और 70, और हम अपना सफ़र करेंगे जी 70 पर। वो सामने रही जी अपनी हवेली, और अभी मैं वहाँ से आया ही था कि वो सामने आप देख सकते हैं जी खेत में यहाँ पे भी पानी खड़ा था। तो अभी लड़के यहाँ पे भी मछलियाँ जो हमें पकड़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, क्योंकि सुना है कि यहाँ पे भी मछलियाँ हैं इस खेत में भी। और अभी मैं अपने गांव से बाहर निकल आया हूँ। अपने गाँव से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर खेतों में ये आप देख सकते हैं जी यहाँ पर बना हुआ है एक स्विमिंग पूल, और इसके साथ बनाया गया है पोल्ट्री फार्म। और ये इतनी खूबसूरत लोकेशन पे बनाया गया है कि देखें करीब कोई भी गांव या कुछ भी कोई आबादी नहीं है। और स्विमिंग पूल के अपोजिट साइड का भी आपको व्यू दिखाता हूं जी, उस तरफ भी आप देख रहे हैं कि खुला मैदान है, खेत ही खेत हैं, यहां पे भी किसी किस्म की कोई भी आबादी जो है वो नहीं है। तो इस स्विमिंग पूल की लोकेशन जो है जी वो बहुत ही ज़बरदस्त है। और अभी तो क्योंकि सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, लेकिन गर्मियों में जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। इर्द गिर्द के आप कह लें कि 15 से 20 गांव और हत्ता के शहर तक से जो है ना वो लोग इस स्विमिंग पूल पे नहाने के लिए आते हैं। जिन लोगों के पास जानवर ज़्यादा होते हैं जी, वो जब भी ये खेत फसलों की कटाई होने के बाद खाली हो जाते हैं, तो वो अपने जानवरों को जो है खुली ज़मीन पे चराने के लिए ले आते हैं, क्योंकि बांध के जो है वो चारा खाने से भी जानवर इतना खुश नहीं होता जितना खुश के जानवर इस तरह जो है वो खेतों में घूम फिर के खाने से। और साथ वो देखें कि वो जानवर धूप का मज़ा भी ले रहे हैं। और यहाँ पर अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जी, कि जो मैंने आपको बताया था कि हार्वेस्टर, जिसको के जी हम पंजाबी में पड़ोला कहते हैं, उससे चावल की फसल की कटाई का प्रोसेस भी आपने देख लिया था। और अभी ये देखें जी, ये जो चावल की फसल थी इसको दात्री से काटने के बाद ज़मीन पे कपड़ा बिछा लिया जाता है, और उसके ऊपर ड्रम रख के आप देख सकते हैं कि फिर इसको ज़ोर ज़ोर से जो है वो ड्रम पर मारा जाता है, और जितने भी चावल हैं वो जो है वो नीचे गिर जाएंगे, अलहदा हो जाएंगे, और इसकी जो पराली बचेगी ये भैंसों के चारा डालने के काम आ जाएगी।
गए थे जी सागा फैक्ट्री। अभी तक मैंने जी तकरीबन 10 किलोमीटर सफ़र जो है वो तय कर लिया है। अभी तकरीबन जी 12 किलोमीटर सफ़र करने के बाद मैं जसपाल गांव में पहुंचा हूं। तो यहां पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि अभी जो है वो कमाद जो कोई गन्ना जिसको हम कहते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत कम लोग हैं जो उसकी पैदावार करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वो ट्रैक्टर के पीछे जो है खेत में कमाद उगाया गया है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इस खेत में, और फिर यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। पहले कमाद जिसको कि गन्ना कहा जाता है, उसकी जो फसल थी वो आम रूटीन में जो है देखने को मिलती थी। हर गांव में कमाद जो है वो लगा हुआ नज़र आता था। लेकिन अभी कमाद की जो पैदावार है, जो फसल है, इसको बहुत कम उगाया जाता है और ये बहुत कम देखने को मिलता है। मेन रोड से उतरना पड़ा था और गांव के बीचों बीच शॉर्टकट रास्ता जो है वो लेना पड़ा था। और अभी हम जी चढ़ गए हैं जी फिर मेन रोड के ऊपर। यहां पे भी कमाद जो है वो लगाया गया है। इसके साथ आगे वहां पे भी कमाद लगा हुआ है। इसकी बैक साइड पे पीछे अगर आप देखें वहाँ पे भी कमाद है, इसके साथ भी है और इसके आगे भी। इस एरिए में अभी लोगों का जी रुझान है कमाद लगाने के लिए, गन्ने की फसल को उगाने के लिए। और इस गांव से अगला गांव जो है जी वो हमारी मंजिल है। बुजुर्ग हूँ तुम पता है कि सौखा किधरों है, इधरों के सामने हूँ। ओ सौखा रहेगा चाड़ चाड़। इस बच्चे ने भी साथ जाना है जी, तो ये जो है मुझे गाइड कर देगा रास्ते के लिए। आ जा यार। मेन सड़क पे काम हो रहा था और वो सड़क जो है वो वहाँ से गुजरा नहीं था जाना, तो गांव के अंदर से लेना पड़ा था जी शॉर्टकट रास्ता। तो शॉर्टकट रास्ते की फिर मुझे समझ नहीं थी आनी कि ये रास्ता किस किस साइड से होता हुआ जो है वहाँ पे जाएगा। तो फिर ये बच्चा मुझे मिल गया था जी, इसका भी गांव वही है जहाँ पे मैंने जाना था। तो अभी ये बच्चा मुझे, उस बच्चे को भी हेल्प मिल गई मेरी वजह से और मुझे भी जो है वो वहाँ तक पहुँचने में आसानी हो गई जी। बुजुर्गो अल्लाह का करम। मीठे चेक करके नहीं 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 मैं वो हटाला नहीं दे।
मेरा ना यूट्यूब का चैनल है। हाँ जी वाप डाला नहीं मैं। ठीक है ठीक है। और की हाल ने अच्छा नेट का दौर है ना तुम पता। हाँ जी नेट वास्ते वीडियो बनाई दी है कि अली दुनिया नु महाइए पिंड दे मतलब पिंड दा जो भी साडा ठीक है क्योंकि तुहानू पता शहर च रहण वाले लोकां लई चीज़ां बड़ियां सोहणियां लगदियां बस इस वास्ते। वो जो बाबा जी जा रहे हैं जी उन्होंने मुझे रोका था वो भी शायद आपने देखा होगा बहरहाल मैं उनके कहने पर रुक गया हूँ और वो मुझे रोकने बाद कहते हैं कि पुत्र तू साडा मीटर चेक करके आए क्योंकि मैंने सेल्फी स्टिक और सेल्फी स्टिक पे जब उन्होंने मेरा मोबाइल लगा हुआ देखा है क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो वापटा वाले होते हैं ना वो उनके पास इसी तरह सेल्फी स्टिक और सेल्फी स्टिक के ऊपर मोबाइल लगा होता है। ये लगा हुआ है जी पराली का ढेर जिन लोगों के पास घर में या कोई भी रखने के लिए जगह नहीं होती इतनी ज़्यादा तो वो इसी तरह जो है अपने खेत में ही इसका ढेर इकट्ठा कर देते हैं और डेली रूटीन से जो है ना इसको ले जाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके भैंसों को डाल दिया जाता है। ये इलाका जो है जी यहाँ पे मुझे हर तरफ ही कमाद नज़र आया। ये रहा जी वो गांव जिस गांव तक आने के लिए इतना सफ़र किया है। मेरा दिल किया जी कि यहाँ पे रुक के जो है वो मैं वीडियो बना के आपको दिखाऊं। ये उस गांव में जहाँ पे मैंने आना था उस गांव की कब्रिस्तान आपको जो है वो दिखाने लगा हूँ और जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जी वो ये है कि आप कब्रिस्तान की सफाई देखें कि गांव वालों ने कितनी मेहनत के साथ देखें अपनी कब्रिस्तान को किस तरह से जो है वो साफ़ रखा हुआ है। दोस्त को मिल लिया है जी और अभी वापसी है घर की तरफ। इस एरिया पे जो गांव है यहाँ पे अभी तक जो है वो चावल की फसल की कटाई का काम ख़त्म नहीं हो सका। यहाँ पे जी अभी तक जो है वो ये देखें आप हार्वेस्टर पड़ोले की मदद से अभी तक जो है वो चावल की फसल काटी जा रही है यहाँ पे भी और एक ये देखें यहाँ पे भी अभी उसकी कटाई हो रही है। ये आ गया है जी मेन रोड। शाम हो गई है और मगरिब की अजानें जो हैं वो होने लगी हैं तो आज के इस व्लॉग को करते हैं जी यहीं पे ख़त्म। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।